सालाना करोड़ों रुपए का मीट निर्यात करने वाले देश की जनता को रोजाना जरूरी एनिमल प्रोटीन की पूरी मात्रा नहीं मिल रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार लोग विभिन्न कारणों से एनिमल प्रोटीन की आवश्यक मात्रा नहीं ले पा रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जरूरी है। जानकारी के अनुसार देश के करीब 70 अन्य देशों को मीट निर्यात किया जाता है, जिसका वार्षिक आंकड़ा करीब 25,000 करोड़ है। हालांकि लाइव स्टॉक जनसंख्या में विश्व का अग्रणी देश होने के बावजूद भारत में दुनिया भर में मीट उत्पादन का केवल 4% का ही योगदान है। सालाना करोड़ों रुपए का मीट निर्यात करने वाले देश की जनता को रोजाना जरूरी एनिमल प्रोटीन की पूरी मात्रा नहीं मिल रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार लोग विभिन्न कारणों से एनिमल प्रोटीन की आवश्यक मात्रा नहीं ले पा रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जरूरी है। जानकारी के अनुसार देश के करीब 70 अन्य देशों को मीट निर्यात किया जाता है, जिसका वार्षिक आंकड़ा करीब 25,000 करोड़ है। हालांकि लाइव स्टॉक जनसंख्या में विश्व का अग्रणी देश होने के बावजूद भारत में दुनिया भर में मीट उत्पादन का केवल 4% का ही योगदान है। ऐसे में देश के लोग रोजाना आवश्यक एनिमल प्रोटीन की मात्रा भी नहीं ले रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में मीट साइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एस के मेहंदी रत्ता ने कहा कि 75 किलो भार वाले व्यक्ति को रोजाना 75 ग्राम प्रोटीन जरूरी होता है, जिसमें एक तिहाई यानी 25 ग्राम एनिमल प्रोटीन का समावेश होना चाहिए। ICMR रोजाना 20 ग्राम एनिमल प्रोटीन को आवश्यक बताता है, जबकि आंकड़ों के अनुसार देश में लोगों को हर रोज केवल 10 ग्राम एनिमल प्रोटीन की हर रोज केवल 10 ग्राम एनिमल प्रोटीन ही उपलब्ध हो पा रहा है। 25 ग्राम एनिमल प्रोटीन मीट, अंडा, दूध से उपलब्ध हो सकता है, लेकिन फिलहाल देश इसमें पिछड़ रहा है। डॉक्टर एस के मेहंदी रत्ता ने कहा कि देश में मेल बुफेलो कॉल्फ को सही तरीके से पोषित न किए जाने से उनकी मृत्यु दर अधिक है। यदि मेल बुफेलो कॉल्फ को सही ढंग से खिला पिलाकर पालन पोषण किया जाए तो इनका उपयोग मीट की पैदावार बढ़ाने में हो सकता है। वहीं प्रदेश में भी हालात कुछ अलग नहीं है और गोट प्रोडक्शन गैप 30% कम है, यानी 70% मीट का उत्पादन हो रहा है। यदि प्रदेश में इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले कुछ वर्षों में ये गैप और अधिक बढ़ जाएगा, जिससे मीट के आवश्यक उत्पादन में कमी बनती जाएगी। मीट और डेयरी है, वो दोनों आपस में कम्प्लीमेंट्री हैं कि अगर हमने दूध बढ़ाना है तो हमें खाली हम दूध बढ़ाने के देंगे और हम जो है मांस के बारे में ध्यान नहीं देंगे तो उससे जो है ओवरऑल प्रोग्रेस नहीं होगी। तो जैसे जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है या जो भी फार्मर हैं, तो हमें जैसे अगर मैं भैंस का एग्जांपल लूँ, जैसे भैंस के जो नर पड्डे हैं, जो मेल बफेलो काफ हैं, अब वो जो है 6 महीने या 3-4 महीने बाद जो मर जाते हैं वो, क्योंकि लोग उनको फार्मर उसका जो उसका पूरा ध्यान नहीं दे पाता, उसको पूरी न्यूट्रिशन नहीं देता उसको मेल बफेलो काफ को। तो अगर हम उस मेल बफेलो काफ को जो इतना हमारा जो वेस्ट हो रहा है, हम वैसे जीव हत्या की बात कर रहे हैं और हम उसको भूखा मार रहे हैं उस मेल बफेलो काफ को, अगर हम उसको दूध पिलाएं या उसको हम जो है कुछ और उसके लिए जो राशन है वो उसको दें और जब उसकी ग्रोथ हो फिर हम उसको मीट के लिए यूज करें। बल्कि पिछले जो हर साल में जो मीट बफेलो मीट का एक्सपोर्ट जो है 25,000 करोड़ से ज्यादा रहा है। बल्कि इंडिया में इस टाइम किसी भी अगर एग्रीकल्चर कमोडिटी का एक्सपोर्ट की बात करें तो मांस का सबसे ज्यादा है। डॉक्टर साहब, हम बात करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, ओवरऑल जो ग्लोबल मीट का प्रोडक्शन है और जो भारत का स्थिति है उसमें, तो हम कहाँ ठहरते हैं मीट प्रोडक्शन में? हाँ जी, भारत का बहुत कम है, बल्कि अगर हम लाइव स्टॉक जनसंख्या के हिसाब से लें तो हमारा पहला नंबर है, लेकिन मीट प्रोडक्शन के हिसाब से लें तो 3-4% ही आता है हमारा, क्यों चाइना है या USA है वो सब हमारा से कहीं ज़्यादा है। अभी डॉक्टर साहब, जो UN का हंगर इंडेक्स है जिसमें भारत की स्थिति और भी बदतर हो गई है, हाँ जी, तो इसमें ये जो मीट प्रोडक्शन है इसकी क्या भूमिका हो सकती है? हाँ जी, जैसा मैं बता रहा था कि एक अगर आदमी की जो अगर उसका वजन 75 किलो है उसको डेली 75 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए और 75 में से 1/3 प्रोटीन उसका एनिमल सोर्स से होना चाहिए, यानी 25 ग्राम प्रोटीन उसको एनिमल सोर्स से होना चाहिए, चाहे वो मीट से ले, अंडे से ले या मिल्क से ले। आप 75 ग्राम प्रोटीन का मतलब आप समझ लीजिए कि अगर वो दूध पिएगा तो उसको जो है 1.5 किलो हर रोज दूध पीना पड़ेगा और हम किसी भी एक सोर्स पे पूरा डिपेंडेंट नहीं रह सकते,
वो अगर हम जो है 75 को अगर हम वन थर्ड भी डिवाइड करें कि वो 8 ग्राम मीट से लेगा, 8 ग्राम अंडे से लेगा, 8 ग्राम मिल्क से लेगा, वो एक बैलेंस अप्रोच होगी हमारी। अब आते हैं सब हम हिमाचल के रेफरेंस में, क्योंकि हिमाचल में तो इस तरह का, जैसे हम बीफ की बात करते हैं तो हिमाचल में इस तरह का नहीं है। हाँ, हिमाचल में तो भेड़ बकरी का ही मीट उपलब्ध है। हाँ जी सर, तो हिमाचल के रेफरेंस में क्या आपका कहना है? जैसे इस टाइम अगर हम गोट की बात करें, बकरी की बात करें, तो हमारा जो प्रोडक्शन गैप है 30% कम है। जितनी हमें गोट का मीट चाहिए उसका हमारा 70% ही प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हमने गोट हस्बेंड्री या सीप हस्बेंड्री पर ध्यान नहीं दिया तो ये गैप बढ़ता जाएगा। जब ये गैप बढ़ता जाएगा तो उसका प्राइस बढ़ता जाएगा, और प्राइस बढ़ेगा तो लोगों को न्यूट्रिशन कम मिलेगी। अब जो बेचारा बकरी पाल रहा है उसको अपने उसका मीट खाने को नहीं मिल रहा, इतना ज़्यादा कॉस्टली हो गया वो। ये 4-5 साल तो ऐसे चल जाएगा, 10 साल चल जाएगा, लेकिन जब प्रोडक्शन गैप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसे हमें इस की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा कि हम कैसे इसका प्रोडक्शन गैप कम करें और गोट का मीट ज्यादा बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, आपने बात कही कि 75 केजी अगर किसी का वेट है तो उसको 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए। हाँ जी, उसमें वन थर्ड एनिमल। हाँ जी सर, चाहिए। हाँ जी, वर्तमान परिपेक्ष में देखा जाए तो क्या सिनेरियो है इसमें? इस टाइम 10 ग्राम एनिमल प्रोटीन अवेलेबिलिटी है, बल्कि जो ICMR की रिकमेंडेशन है कि मिनिमम हम 20 ग्राम हमें एनिमल प्रोटीन खाना चाहिए, लेकिन इस टाइम सिर्फ 10 ग्राम अवेलेबल है हमारे पास। जबकि इवन बाकी हम देखें पाकिस्तान या और दूसरे कंट्रीज में इससे ज़्यादा है। डेवलप कंट्री की बात करें तो उनका तो 40-50 ग्राम एनिमल प्रोटीन है। तभी हम कह रहे हैं कि हमारे जो है खिलाड़ी मेडल कम लेके आते हैं या हमारा जो है हमारे में बीमारियां। कार्यक्रम में वक्त चला छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।